नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी की जो कैफे अरेबिका है उसको कैसे यूज़ करना है आपको। कॉफ़ी है एक प्रकार से, तो इस कॉफ़ी को कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कॉफ़ी में, इसमें 50 स्टिक्स आती हैं। 50 स्टिक्स का मतलब 50 स्टिक्स, और ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से 50 स्टिक्स आपको मिलेंगे अगर आप कॉफ़ी अरेबिका यूज़ करना चाहते हैं एटोमी का तो। और उसको किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और ये कैफे अरेबिका है जो कि एटोमिका कॉफ़ी है, मिल्क कॉफ़ी है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। एक बार अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो इसके अलावा आपको जो दूसरी कॉफ़ी आप यूज़ करते हो घर में उसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट है काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन टेस्ट है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो जो स्टिक्स देख रहे हैं इसको टीयर अप करना है। टीयर अप करने के बाद आपको इसमें दूध उबालना है। ठीक है, सबसे पहले दूध उबालना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको दूध के अंदर आपको डालना है, दूध गर्म करके। ठीक है, और जो एक स्टिक है, एक स्टिक आप 2 कप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक स्टिक का जो यूज है, ठीक है, एक स्टिक को यूज करने के लिए आपको इसको कैंची से काट, इसका जो रैपर है उसको ऊपर से काटना है आपको। ठीक है, ठीक है, और जो दूध है उसके उबालने के बाद आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, जैसे दूध आपका जो उबल जाए अच्छी तरह से, उबालने के बाद इसको आपको जो कंप्लीट स्टिक्स है वो डालनी है। ठीक है, इस तरह से आपको इसके अंदर ये डालना है टोटली। ठीक है, तो जैसे ये आपने जो कॉफ़ी बनाई है ये, और इसको उबालने के बाद आपको 2-3 मिनट तक, आपको जब तक इसका कलर नहीं आ जाए तब तक आपको इसको रोटेट करना है। ठीक है, और इस तरह से जो आपकी कॉफ़ी है वो बन करके रेडी हो गई है विदिन 2 से 3 मिनट। दूध उबालने के बाद आपको इसमें कॉफ़ी डालना है अच्छी तरह से। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह से आप जो एटोमी का जो कैफे अरेबिका का मिल्क कॉफ़ी है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको एटोमी के प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको एटोमी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।